सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक लेडी शो ड्रेस चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्लाजो स्टिचिंग। इसमें आगे बेल्ट होगा, पीछे इलास्टिक होगा और साइड जिप होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं पहले कटिंग कर रखा हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा आपको आई बटन पर। जैसा मैं कटिंग करता हूँ दोस्तों, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, ये सेम इसी का मैं कटिंग करके दिखाया हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे, इस तरह से इतना चौड़ा होगा, बेल्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, इस तरह से हम चिपका लेंगे। ये होगा बेल्ट, जैसे ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है, फ्रंट का डबल होगा और इससे 3 इंच एक्स्ट्रा होगा जो मेरा हुक लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसका डबल करके 3 इंच एक्स्ट्रा करके नाप के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। थोड़ा 1 इंच ज़्यादा हो पर घटे ना, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये तरफ ये अंदर जाएगा, ये हमारा नीचे का पल्ला होगा, इस तरह से दिखेगा, ये 1/2 इंच मार्जिन होते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अब चलते हैं मशीन के और। दोस्तों ये हमारा आसन है, सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे दोनों, ये जो ये है इस तरह से हम दोनों में सिलाई लगाएंगे, डबल लगाएंगे। दोस्तों ये मैं आसन जोड़ के मैं सीधा पल्ला ऊपर रखा हूँ, ये बैक है, ये मैं सिला जो लगाऊंगा मैं नीचे से लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट छोटा बड़ा होता है तो मैं बैक से लगाऊंगा सिलाई। इस तरह से दोनों सीधा आपस में मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो मैं रखा हूँ ये फ्रंट ऊपर है, बैक नीचे है, तो बायां साइड मेरा जीप लगेगा, बाएं साइड जो जीप लगेगा दोस्तों, ये कम से कम हमें 6 इंच तक हमें यहाँ तक सिलाई लगाना है, 6 इंच तक। ठीक है दोस्तों, मैं निशान लगा लिया हूँ। सेम इसी तरह से सिलाई दोनों साइड लगाएंगे, एक साइड जहाँ मेरा जीप लगेगा बाएं साइड वहाँ 6 इंच तक सिलाई लगेगा, और दूसरी साइड पूरा लगेगा ओनली 1 इंच छोड़ के। दोस्तों आप कम से कम 1 इंच छोड़ देंगे, इसमें बाद में सिलाई लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट और इलास्टिक में अंदर यहाँ घूम करना पड़ता है, जोड़ के सिलाई लगाना पड़ता है। तो ये दोस्तों ये जो मेरा फ्रंट है इस पे जो हमारा प्लेट्स आएगा, ये प्लेट्स हम लेंगे 3.5 इंच का लंबा रहेगा दोनों साइड। मैं ये सेंटर करके निशान लगाया था, मैं कटिंग पे कटिंग जब मैं किया था, अगर कटिंग में ना हो तो बाद में भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको प्लेट्स डाल देंगे। दोस्तों अब इसमें हम इंटरलॉक कर लेंगे। दोस्तों मैं इंटरलॉक कर चुका हूँ, जहाँ पे हम जीप लगाएंगे, जैसे कि मैं 6-6.5 इंच करीब छोड़ा था, इस जगह पे हम जो इंटरलॉक करेंगे ये अलग अलग करेंगे, क्योंकि उसमें जीप लगाएंगे और इधर से हम एक साथ लगाएंगे। और ये जो मेरा आसन वाला सिलाई है ये मेरा अलग अलग होगा इंटरलॉक, और ये आसन वाला थोड़ा खींच के होगा इंटरलॉक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जीप लगाऊंगा। दोस्तों इसमें जीप ये लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ये इसमें होता है कि ये अंडरग्राउंड हो जाता है, सिर्फ ये हमें दिखता है। इसमें 2 ऑप्शन दे बताऊंगा मैं, कि एक जीप लगता है ये अंडरग्राउंड लगता है, एक आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, ऐसे रख के भी सिले लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी घूम बताऊँगा अंडरग्राउंड। दोस्तों
दोस्तों ये जो जीप में लगाऊंगा मुझे इसके बराबर लगाना है, क्योंकि ये पूरा फुल लगेगा, ये हाफ लगेगा। कैसे मैं लगाऊंगा ऐसे शुरू करके, तो ये पॉइंट मेरा छोटा हो जाएगा। तो मैं जितना ये है मेरा, मैं इसमें ऐसे निशान लगा लूँगा और जो जीप है मैं यहाँ से शुरू करूँगा फ्रंट वाला। ये हमारा फ्रंट है, यहाँ से लगेगा क्योंकि ये छोटा होता है, आगे बेल्ट लगता है। अब पीछे मैं बड़ा ही रखता हूँ प्लास्टिक के लिए, अलग से नहीं लगाता। ये जीप होता है लॉक वाला दोस्तों, ये ऐसे खोल के सिंगल पैर से बूट से लगाना पड़ता है। ये पूरा अंडरग्राउंड इस तरह से दिखेगा, ये देखिए पूरा इस तरह से अंडरग्राउंड होगा दोस्तों। ये मैं जीप लगाया था, इसका ये ऑप्शन जो निकल के आता है, इसको हम दोनों साइड सिला लगा लेंगे किनारी पे। दोस्तों ये जो मैं जीप लगाया, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे एक हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा खुलेगा बंद होगा तो हमेशा। जो मेरा फ्रंट है उसको हम इस तरह से जिप को कट कर देंगे, यहाँ पे मेरा बेल्ट आएगा, ये इलास्टिक हो लगेगा। अब लगाएंगे हम बेल्ट दोस्तों इस तरह से, हम जैसे ये है, ये साइड से हम चेक करेंगे जहाँ पे मैं एक इंच छोड़ा था, इधर से इधर ऐसे हम चेक कर लेंगे, थोड़ा से थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो, इस तरह से हम चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर इसको इधर लगा देंगे निशान, और इस पल्ला को जो मेरा जीप है, ये ऑप्शन जीप जो ये पल्ला जो नीचे रखेंगे, ये बेल्ट है ये हम ऊपर रखेंगे। ये इसलिए दोस्तों जब हम जीप ये जो हम कटिंग करते हैं, आगे सेव देता हूँ मैं, तो ये हमारा ये उड़ेब हो जाता है हल्का सा, अगर हम ऊपर रखेंगे ये हमारा ऐसे लफेगा, इसको हम नीचे रखेंगे इस तरह से। ये हमें कम से कम 3 इंच एक्स्ट्रा हमेशा चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप नाप की करें। अभी प्लाजो ऊपर है उल्टा और ये बेल्ट भी ऊपर है इस तरह से। दोस्तों ये जो मैं रखा था 1 इंच, इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसको हम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, जितना ये मेरा बैक पल्ला है, 2 पल्ला होता है इसमें, एक पल्ला का हम इतना हम इलास्टिक लगाएंगे, जितना ये मेरा 2 है इसमें हम हाफ इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह मैं कटिंग कर रखा हूँ, तो इसको हम अटैच करेंगे। कुछ एक होता है ऊपर होता है, एक नीचे होता है, मतलब एक गोल सा होता है, वो हम ऊपर रखेंगे लास्टिक पे, एक ऊपर एक नीचे ऐसा होता है, एक तरफ गोल होता है, उसको हम ऊपर रखेंगे और ये जो फ्रंट में ये बेल्ट लगा है उसके बराबर लास्टिक इस तरह से रखेंगे। दोस्तों ये जो फ्रंट है मेरा लगा हुआ, ये लंबाई मेरा पूरा ओके है, बैक में हमेशा ज़्यादा रखता हूँ। ये देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे लास्टिक के लिए, ये जो बेल्ट है इसके बराबर हमारा लास्टिक फोल्ड होगा, ये निशान जो है इस तरह से, और ये जो है लास्टिक, ये हमें इस तरह से इसका स्ट्रेट करके जो मैं निशान लगाया
ये ज़्यादा नहीं है, सिलाई से अंदर ही हो, इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों ये हमें पक्का करना है, दोस्तों ये जो मैं रखा लास्टिक कपड़ा लास्टिक के लिए, ये हम चेक कर लेंगे इस तरह से, ये मेरा कितना एक्स्ट्रा है, इस तरह से निशान लगाएंगे और मैं इधर भी निशान लगाऊंगा इस तरह से कि मेरा कितना लास्टिक एक्स्ट्रा है, सॉरी कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है। ये आप ढाई तीन जो भी काट रहे हैं ये पूरा भी निकल जाएगा, कि ज़्यादा हो लास्ट में बाद में कहीं कम ना हो जाए। ये मेरा आ गया इधर लास्टिक के लिए इतना ये फोल्ड होगा और ये साइड मेरा इतना फोल्ड होगा। तो मैं इसको इस तरह से एक सिलाई लगाऊंगा। ये थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, ये ज़्यादा है तो इसमें होगा क्या, मेरा बाद में अगर कोई आसन प्रॉब्लम कुछ हो गया तो मैं इसको खोल के ज़्यादा कर सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कट कर दूंगा। दोस्तों मैं इसको कट कर चुका हूँ। ये जो मैं इसको लास्टिक लगाया था इसको इस तरह से करेंगे, देखिए तो यह इस तरह से है एक्स्ट्रा है, इसको ये टाइट रखेंगे हम अभी कि हमारा फिनिशिंग आएगा। और दोस्तों इस सीधा में देखिए इस तरह से ही हमारा फिनिशिंग आएगा, ऐसा कोई नहीं बताया होगा इस तरह से फिनिशिंग, कोई भी नहीं बताया होगा। इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे, और दोस्तों ये जो मैं फोल्ड किया था ये लास्टिक के मैं नाप के किया था, कितना चौड़ा है उसे 200 ज़्यादा ही रखा था, और इस पर एक सिलाई लगाएंगे लास्टिक का अंडरग्राउंड करने के लिए, सिलाई लास्टिक पे नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये जो जीप है ये थोड़ा मेरा अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये बाहर रहेगा तो इस तरह से जो लास्टिक के बराबर तक इस तरह से जीप तो मेरा यहीं तक रहेगा, लेकिन ये थोड़ा अंदर रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये डबल में ज़्यादा मोटा हो जाता है। दोस्तों ये मैं सिलाई लगा चुका हूँ। दोस्तों एक सिलाई इसका बीच में लगेगा, और दोस्तों ये जो मेरा इकट्ठा हो गया है इसको हम बराबर कैसे करेंगे आप ये ध्यान दीजिए, ये इस तरह से पकड़ेंगे, एक इधर पकड़ेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे, दो तीन बार ऐसे करेंगे ये पूरा मेरा बराबर हो जाएगा। तो इस पर एक सिलाई लगा देते हैं, दोस्तों यहाँ पर एक मेरा हुक लगेगा जो ये अंदर अंडरग्राउंड होना चाहिए, तो इसे मैं हल्का से यहाँ खोल के इसका मैं जीप लगा ये आई लगाऊंगा जो हुक के लिए होगा, तो ये खोल के तो होगा, पहले होना था लेकिन मिस्टेक हो गया। तो इस तरह से पहले यहाँ हुक लगा लेंगे इस जगह पे, और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों मैं इसमें सिलाई भी लगा चुका हूँ, ये हुक भी अंडरग्राउंड में कर चुका हूँ, ये अंडरग्राउंड करना जीप ये हुक नहीं तो चुभता है इस जगह पर, ठीक है दोस्तों। ये मैं लगाया हूँ इस तरह से, जैसे हम नाप के मैं लास्टिक नापा था तो उस तरह से नापेंगे तो ये मेरा दोनों ऐसे बराबर आएगा, ये हमें नाप के करना है, उस टाइम नापना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम हुक लगाएंगे और इसको इस तरह से ये लगा के फिर इसको हम इस तरह से हम चेक करेंगे कि ये मेरा ज़्यादा ना हटे ना चढ़े, ये जीप जो इस तरह से है ये देख रहे हैं, ये आपस में जब जीप लगेगा ये आपस में इस तरह से सट जाएगा, ये ज़्यादा गैप ना हो, इस तरह से हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे।
दोस्तों ये इस तरह से दिखेगा, ये पूरा लग चुका है, कंप्लीट हो गया है। ये ज़्यादा लंबा ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच 1.25 इंच करें, इस तरह से होगा ये। ठीक है दोस्तों, ये पूरा बराबर आएगा जब आप नाप के करेंगे तो, इस तरह से। अब चलते हैं मोरी के साइड। दोस्तों मैं जब निशान लगाया था इस जगह पे, जो मैं आसन में 3 इंच के बाद निशान लगाया था, तो मेरा ये एक्स्ट्रा था, ये फ्रंट जो पल्ला था, तो मैं यहीं पर रखूँगा 1/2 इंच। मैं इस तरह से मैं पहले आसन पर सिलाई लगा दूँगा इसको, ये सेंट जो हमारा सिलाई आता है बैक फ्रंट का, ये आपस में जोड़ के सेंटर सिलाई लगा लेंगे पहले। ठीक है दोस्तों, जितना भी मेरा मोरी होगा उस तरह से हम नाप लेंगे, ये ऑटोमेटिक ही 12 आएगा 1/2 इंच मार्जिन हिसाब से, जैसा मैं काटा था। आप नहीं नापते हैं फिर भी आपका सही आएगा। दोस्तों इस तरह से हम एक बार यहाँ पे पकड़ेंगे, फिर इस तरह से हम दूर तक इस तरह से चेक करेंगे कि मेरा कहाँ बैठ रहा है। ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा दोस्तों, इस तरह से हम पकड़ेंगे, इस तरह से यहाँ पे देखो तो इधर इस तरह से पकड़ के इस तरह से करेंगे, ये ऑटोमेटिक जो मेरा एक्स्ट्रा था वो ऑटोमेटिक ही मेरा साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों ये साइड भी हम सेम इस तरह से पकड़ के चेक करेंगे, इसको हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसमें मेन जो होता है मैं अभी बताऊंगा प्रेस के साथ, जो वो बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये जो प्लाजो मैं बनाया हूँ, होता क्या जब हम इसको स्टिचिंग करते हैं डायरेक्ट अगर हम प्रेस करते हैं तो हो गया क्या, इस जगह पे हमारा पहनने के बाद ये खिंचेगा। अगर इसको हम अभी नहीं करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, ये पॉइंट खिंचेगा, तो ये पॉइंट इसको इस तरह से प्रेस की मदद से इसे हमें इस तरह से लफाना ज़रूरी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें इसको लफाना है, नहीं तो हमारा ये खींच मारेगा। ठीक है दोस्तों, इसको इधर से भी कर लेंगे, इसको इधर से भी कर लेंगे। क्योंकि ये जो हम इंटरलॉक करते हैं ये टाइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से कर लेंगे। इसको हम लंबाई चेक करके ऐसे नापते हैं, लेकिन फिर भी अभी नापेंगे इस तरह से लंबाई नाप करके, जितना भी हमारा लंबाई आएगा। फिलहाल मैं इस तरह बता देता हूँ, इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक इधर भी निशान लगाएंगे, इस तरह से इसको प्रेस की मदद से कैसे भी इस तरह से तोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऐसे करेंगे, ये जो पकड़ा था इधर से पकड़ेंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे और प्रेस की मदद से ऐसे ये मेरा पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे दोनों में, फिर इसको हम तुरपाई कर लेंगे। दोस्तों जब हम प्रेस करेंगे ये तोड़ने के बाद, ये जो हमारा सिलाई है दोनों, ये सिलाई में सिलाई आना चाहिए पूरा आसन तक। ठीक है दोस्तों, पूरा आसन तक आएगा, फिर ये मेरा क्रीज बनेगा, इस तरह से क्रीज बनेगा। अगर ये हम फोल्ड करते हैं, हम इसको फोल्ड करते हैं इस तरह से हम जब फोल्ड करते हैं, ये देखिए ये पॉइंट मेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये पॉइंट जो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। स्टिचिंग में हम इसको इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे स्टिचिंग में, ये जहाँ तक मेरा लंबाई है इससे इधर थोड़ा, इससे हम इस ये पॉइंट को हम दाब देंगे, तो ये क्या होगा, इधर से मेरा इस तरह से जब फोल्ड होगा ये मेरा बाहर जो जा रहा है
ये हमारा अंदर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों ये वीडियो को अच्छा लगा तो हम लाइक ज़रूर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद हमें सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।